शोएब जमाई का ये कहना है, बम भी हिंदूवादी बरसाते हैं, गोलियां भी हिंदूवादी बरसाते हैं, आरएसएस आतंकवादी संगठन है, और इसको बताने के लिए वो अमेरिका को कोट कर रहे हैं। उनका कहना है कि जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां हुई है उसके लिए आरएसएस जिम्मेदार है। मैंने सिर्फ इनसे इतना कहा कि भाई ओसामा बिन लादेन जो है वो कबूतर उड़ाते हैं शांति के, उससे नीचे आ जाइए, हाफिज सईद वो गरीब लोगों को खाना बांटते रहते हैं शाहीन बाग और बाकी गलियों में, कुदरत का वो जो वहाँ पर बिरयानी आती थी शायद कुदरत से आती हो वहाँ पर, और जो बाकी दाऊद इब्राहिम टाइप के लोग हैं भाई वो तो लोगों को मदद करते हैं, वो उन्होंने 23 वो मुंबई के ब्लास्ट कराए नहीं। देखिए कितने गलत आरोप आज तक लगते रहे इन तमाम लोगों पर, बताइए आप, सब कुछ किया आरएसएस ने किया इस देश में। देखिए मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा कि अगर शोएब जमाई जी ये कह रहे हैं तो मतलब भारत की न्यायपालिका का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्र भारत में 3 बार संघ पर प्रतिबंध लगा, नेहरू जी के जमाने में 1948, इंदिरा जी के जमाने में 1975 और नरसिम्हा राव के जमाने में 1993, और तीनों बार कोर्ट में धराशायी हो गए। नरसिम्हा राव के जमाने में तो चार्जशीट फाइल करने से पहले बाहरी ट्रिब्यूनल के सामने धराशायी हो गए थे और सुप्रीम कोर्ट से क्लियर कट क्लीन चिट मिली थी। उसके बाद भी अगर इनको कोई शक कोई शुबा है तो इसका मतलब है भारतीय न्यायपालिका पर विश्वास नहीं करते, और कोर्ट किसको कर रहे हैं? अरे भैया डोनाल्ड ट्रंप जो ओपनली कहता है इस्लामिक दिल्ली दंगों में 16 आरएसएस के मेंबर गिरफ्तार हुए हैं गोली मारने के लिए, इस्लामिक टेररिज्म वर्ल्ड वो करता है और इस कदर करता है कि 2016 के चुनाव में उसने रिपब्लिकन इंडियन कोलिशन में आने से इनकार कर दिया था, वो रिपब्लिकन हिंदू कोलिशन में आया, उसका आपको गवाही चाहिए सब होने से कातिलों के बोलने में। सुधांशु जी, जिस अमेरिकी संगठन ने ओसामा बिन लादेन को टेररिस्ट कहा, उसी संगठन ने वीएचपी बजरंग दल और आरएसएस को जो है आतंकवादी संगठन मानती है, इंटर रिलीजियस कमीशन है, 1990 में बनी है, हम तो नहीं बोल रहे। अमेरिकी संगठन ने नहीं कहा था ओसामा बिन लादेन को टेररिस्ट, अमेरिकी सरकार क्या बात कर रहे हैं आप, और दुनिया के 50 देशों की सरकार ने कहा। अरे क्या बात आप कर रहे हैं साहब, बराक ओबामा ने बाकायदा उसके अमेरिकी सरकार ने कहा कागजात पे दस्तखत किए थे, और इंटर रिलीजियस कर रहे हैं, और उन्होंने ऑपरेशन किया था यूएस इंटर रिलीजियस फ्रीडम सर अमेरिकी सीनेट से। आप अपने टर्न पे बोलिए तब बहस अच्छी हो। शोएब जमाई देखिए आप बीच में बोल रहे हैं, मैंने 2 बार नहीं टोका, अब ये परंपरा गलत है, आपकी बात का सीधा जवाब मिल रहा है, आपको थोड़ा संयम रखना होगा, दर्शकों को समझ में नहीं आता, आप बोलिए फिर मैं बोलता हूं। जी ठीक, नहीं सुधांशु जी बस मेरा ये कहना है कि दिल्ली दंगों में 16 आरएसएस के एक्टिव मेंबर को अरेस्ट किया गया और चार्जशीट में उनके नाम है गोली मारने के लिए साहिल परवेज, तो क्या आरएसएस के मेंबर के ध्यान नहीं दिया जाता कि वो कैसे अपने पास बंदूक रखते हैं, गोली रखते हैं और ये सारी चीजें रखते हैं, तो इसको आतंकवादी गतिविधि क्यों ना माना जाए जब वो रेप करने की धमकी देते हैं, व्हाट्सएप जो ग्रुप कट्टर हिंदू के नाम से बना था उसमें सारे आरएसएस के मेंबर हैं और ये दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में है सर, हमारे पास नहीं है, बल्कि तो बाकी चार्जशीट भी मान लीजिए ना, सही है। अच्छा एक मिनट सुधांशु भाई, दिल्ली पुलिस की बाकी ये चार्जशीट तो सही है, लेकिन मीरान हैदर पर जो आरोप लगे हैं, जो जाकिर नाइक से मिलने का आरोप लगा है, जो आप पर षड्यंत्र का आरोप लगा है, जो जामिया में रजिस्टर मिला है, वो सब गलत है, ये सही है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने लिखा है, ये कौन सा तर्क हुआ शोएब जमाई, ये कौन सा तर्क हुआ बताइए ना, बोलिए जवाब दीजिए, इसका भी जवाब ले लीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी से। मीरान हैदर पे किसी के मर्डर का चार्ज नहीं लगा है सर, मीरान हैदर पे मर्डर करवाने का चार्ज लगा है, षड्यंत्र का चार्ज लगा है मेरे भाई।